ध्वनि भाग चार। ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि और अनुरणन। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि की चाल के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, प्रतिध्वनि यानी एको और अनुरणन यानी रिवर्बरेशन के बारे में जानेंगे। किसी ठोस या द्रव्य माध्यम में ध्वनि का परावर्तन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक रबड़ की गेंद किसी ठोस सतह से टकराकर वापस लौटती है। ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के समान होता है। जब किसी ठोस या द्रव सतह पर ध्वनि का परावर्तन होता है तो यह परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करता है जिनका पालन प्रकाश करता है। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए एक बड़े आकार वाले अवरोध की आवश्यकता होती है जो चिकना या खुरदरा हो सकता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध समझने के लिए हम एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। दो पर्याप्त लंबाई वाले एक समान पाइप लो। तस्वीर के अनुसार उन्हें दीवार के पास एक मेज पर रखो। अब एक पाइप के एक खुले सिरे पर एक घड़ी या कंपन करता हुआ मोबाइल फोन रखो। फिर दूसरे पाइप के खुले सिरे पर कान लगाओ और घड़ी की टिक टिक या फोन के कंपन को सुनने की कोशिश करो। घड़ी की आवाज को ठीक से सुनने के लिए पाइप को ठीक से व्यवस्थित करो। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण को मापो और उनमें संबंध स्थापित करो। दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाओ और देखो क्या होता है। अब समझते हैं कि कैसे ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। जब तुम किसी परावर्तक सतह जैसे किसी पहाड़ के पास हाथों से ताली बजाते हो तो कुछ समय बाद ये ध्वनि तुम्हें वापस सुनाई देती है। हमें सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है प्रतिध्वनि क्यों होती है? प्रतिध्वनि इसलिए होती है क्योंकि ध्वनि परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है। ध्वनि की संवेदना हमारे दिमाग में करीब 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। अब माना कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि को अवरोध से टकराकर 0.1 सेकंड में श्रोता के कानों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए ध्वनि द्वारा इसके स्रोत से परावर्तक सतह तक और वापस श्रोता तक चली गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर प्रति सेकंड गुना 0.1 सेकंड होनी चाहिए जो कि 34.4 मीटर है। इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी या 17.2 मीटर जरूर होनी चाहिए। यह दूरी वायु के तापमान के अनुसार बदल सकती है। तुम ये प्रतिध्वनि एक से अधिक बार भी सुन सकते हो जब एक से अधिक या बार बार परावर्तन हो।
इसी वजह से बादलों के गरजने की ध्वनि बार बार होती है। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक सतहों जैसे बादलों और जमीन से बार बार परावर्तन की वजह से उत्पन्न होती है। अब समझते हैं कि अनुरणन क्या होता है। जब हम किसी बड़े हॉल में ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो दीवारों से परावर्तन के कारण ये तब तक बनी रहती है जब तक कि ये इतनी कम न हो जाए कि ये सुनाई ही न पड़े। ये बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभाघर या बड़े हॉल में इतना अधिक अनुरणन बिल्कुल नापसंद होता है, इसलिए इसे कम करने के लिए छतों को ज्यादातर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, पर्दे या खुरदरे प्लास्टर से बनाया जाता है। यहां तक कि सीटों के पदार्थों को भी इनके ध्वनि अवशोषक गुण के अनुसार लिया जाता है। अब हम मिलकर एक समस्या को हल करते हैं। मान लो कि तुम किसी चट्टान के पास हाथों से ताली बजाते हो और 3 सेकंड बाद इस ध्वनि को सुनते हो। अब ध्वनि द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करो। यदि ध्वनि की चाल v को 320 मीटर प्रति सेकंड लिया जाए, यहां ध्वनि की चाल v बराबर 320 मीटर प्रति सेकंड है। तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए परावर्तन में लगा समय 3 सेकंड है। हम जानते हैं ध्वनि द्वारा चली गई दूरी बराबर v गुना t बराबर 320 गुना 3 बराबर 960 मीटर। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे और चट्टान के बीच कितनी दूरी है? हम ध्वनि के बहुल परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। मेगाफोन, हॉर्न और वाद्य यंत्र जैसे कि शहनाई बहुल परावर्तन का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ध्वनि को बिना अलग अलग दिशा में फैलाए एक ही दिशा में भेजने के लिए बनाया जाता है। इन यंत्रों में एक नली के आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है जो बार बार ध्वनि को परावर्तित करता है और ध्वनि तरंगों को स्रोत से श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप, जिसे डॉक्टर इंसानी शरीर में दिल और फेफड़े की ध्वनि को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुल परावर्तन का एक दूसरा उदाहरण है। यहां ध्वनि बार बार परावर्तन के बाद डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। इस वीडियो में हमने ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, प्रतिध्वनि यानी एको और अनुरणन यानी रिवर्बरेशन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम सोनार और पराध्वनि के बारे में जानेंगे।